आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, नया क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 200 ओम रेसिस्टर आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। ठीक है, 300 ओम के रेसिस्टेंस है ये आपका कनेक्टेड है। ठीक है, और कहा जा रहा है कि इनका जो ब्रेकडाउन है इन रेसिस्टेंस का वो कितना है। तो इनका रेसिस्टेंस का जो ब्रेकडाउन है आपका 50 वाट का। ठीक है, मतलब 50 वाट से ज्यादा का पावर दोगे तो ये आपका बेसिकली ब्रेक कर जाएंगे। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द मैक्सिमम रेट ऑफ टोटल हीट डिसिपेशन इन द थ्री रेसिस्टर टूगेदर इज। ठीक है, तो आपका अकॉर्डिंग टू अगर क्वेश्चन में बात करें, ठीक है, अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करें तो ध्यान दीजिएगा, जो आपका ब्रेकडाउन जो पावर दे रखा है, जो पावर ब्रेकडाउन जो दे रखा है आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो हमारा दे रखा है 50 वॉट के बराबर है। ठीक है, 50 वॉट के बराबर। ओके, और इसको अगर मैं इन टर्म्स ऑफ द करेंट का टर्म्स में लिखूं, ठीक है, अगर मैं इसको करेंट का टर्म्स में लिखूं तो पावर जो हमारा आ जाएगा क्या जाएगा, आई स्क्वायर आर होता है। ठीक है, और यहाँ पे तीनों के तीनों जो रेसिस्टेंस है हमारे 200 ओम के रेसिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्रेकडाउन पावर के टर्म में बात करेंगे तो जो आपका मैक्सिमम करंट जो आपका बर्दाश्त कर सकता है रेसिस्टेंस वो कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा जो पावर है ब्रेकडाउन का, ठीक है, ब्रेकडाउन का जो पावर है एंड डिवाइडेड बाय हमारा हो जाएगा रेसिस्टेंस का वैल्यू, इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। ठीक है, तो जो पावर का जो वैल्यू दे रखा है ब्रेकडाउन पावर आपका 50 वॉट है। ओके, एंड रेसिस्टेंस का जो वैल्यू दे रखा है आपका 200 है। ठीक है, तो यहां से जो आई मैक्स का जो वैल्यू आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 0.5 एम्पियर के बराबर। मतलब कि ये जितने भी रेसिस्टेंस आपको दिख रहे हैं ये आपका 0.5 एम्पियर तक करंट को वो बर्दाश्त कर सकते हैं, उसके बाद ये ब्रेक कर जाएंगे। ओके, अब बात ये आती है कि अगर मैं यहां से 0.5 एम्पियर का करंट डालू तो सिंस ये दोनों पैरेलल हैं और दोनों इक्वल भी हैं तो ये 0.5 इन दोनों में आधा आधा बढ़ जाएगा। आधा आधा बढ़ने का मतलब इसमें 0.25 जाएगा और इसमें भी 0.25 जाएगा। ठीक है, तो 0.25 करंट जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जो मैक्सिमम करंट जो आपका बर्दाश्त करने का है वो आपका टॉलरेट करने का वो 0.5 है और इसमें आपका 0.25 और 0.25 जा रहा है तो इतना तो वो टॉलरेट कर सकते हैं। ओके, तो अब मैं हम लोग क्या करेंगे कि ये हमारा परफेक्ट वैल्यू आ गया, तो ये 200 और ये 200 आपके पैरेलल में, तीन पैरेलल को अगर मैं बेसिकली सॉल्व करूं तो कितना हो जाएगा, तो 200 × 200 एंड बाई दोनों का सम कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 400। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 100 ओम के बराबर। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट में अगर बात करेंगे, ए और बी पॉइंट में बात करेंगे, तो ए और बी पॉइंट में इसका अगर नेट सर्किट में ड्रॉ कर दूं एक बार फिर से, तो यहाँ पे आपका है 200 ओम का रेसिस्टेंस है। ओके, एंड इसके बाद हमारा एक और रेसिस्टेंस एडेड है और वो रेसिस्टेंस का वैल्यू आपका 100 ओम है। ओके, और यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है आपका बी है और ये आपका पॉइंट ए है। ओके, तो अब मैं इस केस में बात करूं कि इस केस के अकॉर्डिंग कि कितना पावर डिसिपिटेट होगा, तो इसमें कितना हो जाएगा, तो इसमें आपका जो पावर जो हो जाएगा टोटल जो पावर डिसिपिटेट होगा वो आपका हो जाएगा आई स्क्वायर और आर। ठीक है, अब करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा मैक्सिमम, तो 0.5 का स्क्वायर, और नेट रेसिस्टेंस कितना है, तो 200 और एक 100 दोनों सीरीज में, तो आपका हो जाएगा 300। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आफ्टर सॉल्विंग ये हमारा आ जाएगा 75 वाट के बराबर, ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।